इनकी सगी मौसी, अपनी मौसी ही डस ली। इनके घर से 70,000 रुपया कैश और इनके माँ का जेवरात, इन बच्चियों का जेवरात लेकर चले गई अपने नाजायज पति के साथ। जनमंच न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं शीतल की दर्दनाक कहानी। इस लड़की के ना माँ है ना पिता है, कोई नहीं है। ये दो बहनें हैं और दो भाई हैं। इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और इनकी दादी है। इस दुखियारी माँ से पूरी कहानी जानिए, आखिर इनके परिवार में इतना बड़ा दुख कैसे आया। दादी, क्या नाम हुआ आपका? गौरी देवी। कैसे क्या हुआ आपके साथ? सर, हमारे बेटा पुतों की जिंदगी है, सो सब के आ जान, बढ़िया से खाना पीना रहन सहन, हम लोग के यहाँ से कोई मतलब ना रहा। अलग अपना बढ़िया से हरल फरल परिवार, अलग खा अलग पिया, अलग बहन बहन वाला बात हलन सर, तो हम सब कैसे बोल सके, कैसे छोड़ा सके। हमारे पुतों के तो बेटा तो गुजर गया। बेटा को क्या हुआ था? आपका तबीयत खराब अलग सर। हमारे बेटा फिर टीवी परसेंट। हाँ, पुतों के तबीयत खराब हो गलन, तो अपना नैहर में जब आवे जब कहे की रहे दा तो नहरा ले जान, जब आवे जब अपना नैहर ले जान। के का ले जाता था? हमरा पतोह के। अच्छा, पुतोह को नैहर ले जान ताकि हम पूछी ताकि हम इलाज करा ले, इलाज करा ले। अच्छा, आपको पुतोह को बीमारी थी? जी। उनको क्या हुआ था? तो बोली कि का भाई तकाची के इलाज हो रहा हुआ ताकि बिहार से जड़ी बूटी के दवाई कर रहा। अच्छा अच्छा, जड़ी बूटी के दवाई कर लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसी ऐसी जब गिर गए, गिरला के बाद डॉक्टर कॉलोनी कंकड़बाग में लेकर, तो हुआ एक सारा ने देखे कि टीवी निकल, किडनी टीवी निकल, टीवी निकला, टीवी निकल। तो टीवी के तो सर इलाजे न होले, तो मेरे जीवा ठीक कैसे होते? नहीं तो जड़ी बूटी के दवाई बिहार से 25,000 महीना होबले। अच्छा, जब हुआ बिहार के डॉक्टर से जड़ी बूटी के दवाई दलन की 25,000 महीना, रुंकू देवी कल थी कि हम 25,000 महीना डॉक्टर के दहिला हुआ से इलाज होगा। फिर वो इतना दोनों बहन भाई जब मैं सीरियस हो गई। हाँ। सीरियस हो गया हमारे पतोह सर, तब कह करके हम अब तू अपना पतोह के देखा, हम हमरा से ना होता। हम बोले कि हमार है तो हम बिक दे, हमार है तो बिक दे, जे दो पैसा चार पैसा बनलक से कंकड़बाग में लगैली डॉक्टर को ले। ओकर बाद हमार डॉक्टर जवाब दे दिलन, जवाब दे दिलन, तो घर ले अली, घर ले अली, तो दिन भर टिकलक, साँझ के हमार बहू गुजर गलक सर। ओकरा बाद से वो मालिक मलकिनी का खैलक का पीलक, दा चार दिन पाँच दिन छः दिन आठ दिन दस दिन वो बिक्की सिंह और रिंकू देवी दोनों। बिक्की सिंह और रिंकू देवी दोनों कौन है? कौन है? बिक्की सिंह उनको दूसरा पति, दूसरा पति है। ये दोनों यहाँ पे आता था, एकदम यहाँ रहबे कर यहाँ रहता था दोनों। अच्छा, ये जो चोरी वाली बात है, चोरी वाला बात, बहना चोरी वाली बात हो क्या? लास्ट टाइम में अंतिम में दो चार दिन के बाद जब वो लोग आइलन, तब आइलन तो हम पूछ लिए इतना कि आई है आइला का काउची ले आइला है, काउची ला आइला था कि ना ऐसा ही आइली है, तो ये कोई काम हवा का है लाइला तक कि ना ऐसा ही हम आइली है। आइली होकर बाद नहीं लड़कन सब अपने भीतरे भीतरे घरे घरे लोग तो चल गए दोनों प्राणी बिक्की सिन्हा रिंकू देवी, तो दोनों ही सब बचपन अपने भीतरे भीतरे डरे हमरा से ना कोई कुछ बोले, हम लोग तो अबे जेबे न करे। हाँ। एकदम ना हमरा यहाँ से मतलब है, अबे जेबे न करी, तब खोजे रोवे सब तक कहीं की कौची भीतरे भीतरे खोजे रोवे। तो इनका उनका एगो बेटा हलन, उनका नाम है मनिया, मनी कुमार, लगे 18 बरस गए लड़का बहन, तो यहाँ 10 दिन ला मैया के गेला पर 10 दिन ला यहाँ रहन 15 दिन ला। तो हम बोलली ना कि बउआ रहे से मगर मम्मी ले को तो गछ ले, चाहे हियाँ रहे चाहे हुआ रहे, बात बराबर। क्या ले गया यहाँ से? सामान और पैसा। कितना पैसा था? 70,000। और गहना भी ले गया? गहना इसका माई के और बच्ची के गहना। अच्छा, देख लीजिए कलयुगी इनकी मौसी थी वो जो ले कर गई है पैसा। देखिए तो हम बोली कि क्या हाल है, हम बोली कि ले गेला है तो चाहे तू रखा चाहे बचवा रखे, गछ ला कि हाँ हम रख ले लो गछा, तोरा से कोई मांगे जेते हवा? हम बोली तोरा से खोजे ना लेकिन जे तो खाली गछ ला कि हम रख, ना 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 हम ना ले ली।
नहीं लेली। तोहरा तो हम बोली कि एगो चबिया तोहरा पल्ले हलवा आ एगो लइकवन पल्ले हले। तू आवा तो ऊपर ऊपर का रूम में पिछला रूम में पलंग पर दोनों व्यक्ति दो दिन बना है, चार दिन बना है, दस दिन बना है, अपना रहा खा पिया रहा जावा जा। कोई तो कोई नहीं दे टोकारा ना हम लोग कभी देवे गली कि का करे ला है ना करे ला है। यही सब इतना बात है बा। यही बात है यहाँ इनका। और इनके मौसी का जो नजायज पति है वो यहाँ पर रहता था। वो दोनों मिलकर इनकी जिंदगी तो पहले ही उजड़ गई, सुनसान हो गई। दोनों बेटियों का पिता नहीं, माता नहीं। और एक तरफ खेल देख लीजिए कि इनकी मौसी अपने नजायज पति के साथ सारा पैसा लेके, धन दौलत लेके, जबरात लेकर चली गई। और 5 महीना से वो ताकने झाकने तक यहाँ पर नहीं आई है। कंट्रोल से राशन पानी उठावा ही तो लड़कन के तनी मनी दे ही तो ही खाका के खाका। हाँ। लड़का कल चौका बर्तन के कामों खोजे गए बाद दो दिन। अच्छा। तो ना मिलक काम तो चल लग। एक ये के बच्ची एगो करन काम चौका बर्तन के तो ओकरो जरे काम करेला दो दिन खोजे गए कि हम काम करब चौका बर्तन के काम करब। ना मिलक काम। अच्छा। काम ना मिलक तो आके बैठ गए। अब बात है कि कागज पत्र चुनेला तो अब तो कूड़बो न बिगावे। अब तो कूड़ा तो गाड़ी में डला है तो कागज पत्र कहाँ से मिलते हैं। ये सबसे बड़ी वेदना है। कागज पत्र कहाँ से? अब तो कूड़ा में। पिता इनका माँ सब कचरा चुना करती थी लेकिन अब कचरा चुनने वाला काम भी बंद हो गया। हो गए सब तो गाड़ी में डला जाए। घरे घरे बाल्टी में रखा है हजूर। और बाद में गाड़ी आवे गाड़ी में हम लोग जाके डाल पूरा संसारे गाड़ी में डालते हैं। कहाँ से कचरा? ये शहर का विकास हो रहा है लेकिन उस विकास के बाद संजवा हुआ है। तभी खेतान मार्केट है, राजधानी मार्केट जा हवा तनी मनी ये बड़का बोरिया लेके जा हवा था तनी इतना 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 जमा करके तो एक हवा बेचा हुआ था 40-50 रुपया के 4 दिन पर 5 दिन पर 6 दिन पर हुआ बस। संजवा में 6 बजे संजवा के जा हवा ये राजधानी मार्केट खेतान मार्केट कहानी। कचरा चुनने वाला काम भी अब इनके पास नहीं है। इनके पास करने के लिए कोई रोजगार नहीं है। और शीतल देख सकते हैं रो रही है। क्या बोलिएगा दादी को? दादी मदद करती हैं आपको? दादी ही मदद कर रही है अभी ना? हाँ आप तो कोई मदद नहीं कर रहा है आपको? नहीं कोई नहीं। दादी गुजर जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? यहाँ से सब जाता है कि लोग ढंग के तो वही ढंगते हैं हम लोग। कोई इनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि कुछ कर सकें। दादी जीवित है, इनके पति भी नहीं है। और दुर्भाग्य यह है अगर ये दादी गुजर जाएंगी तो इन पोतियों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा? कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं समझने वाला। और देखिए इनकी सगी मौसी अपनी मौसी ही डस ली। इनके घर से 70,000 रुपया कैश और इनके माँ का जेवरात, इन बच्चियों का जेवरात लेकर चले गई अपने नजायज पति के साथ और इन्हें नहीं दी। लगातार चक्कर काट रही है थाना का, कहीं कोई सुनवाई नहीं। हम बेकायदा इनके मौसी से भी बातचीत किए, वो कसम भी खाती है कि हम लिए नहीं हैं। लेकिन ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? अगर नहीं लिए होते तो फिर केस कोर्ट कचहरी क्यों होता, थाना क्यों होता? लिए तब ना हो रहा है। गछ लीजिए, ये कहती हैं अगर मौसी सिर्फ गछ ले कि पैसा लिए हैं, जेवरात लिए हैं तो हम माफ़ कर देंगे क्या जी? और बात करेंगे। हाँ, वो गच लेगी तो हम उससे मिल जाएंगे, वो नहीं गचेगी तो नहीं मिलेंगे उससे। वो कहती है ना कि नहीं लेगा, ऐसा वही ले गई है। जब से गई है जब से फोन नहीं करती है, फोन कर दिया मकान बना तो सीधा हाँ। तुरंत मकान में हाथ लगा दी, यहाँ से ले जाके पैसा गहना। कुछ जमीनों है तो इसको माई बोला कि हम लड़कन के नाम दे दिली है से हमार बहन के पास कागज है, हम बहन के दे ले हिला। चाची कितना बेटा हुआ आपको? ऐसे तो हमरा तो मगे के कारण अकेले था। अकेले था ये अकेले था। ये है कहानी। ये दादी पूरा परिवार, बेटा पुतौ इस दुनिया में नहीं। और ये है समस्या। दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।